नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ हुआ और लगातार हम साई के दरबार में साई बाबा के आशीर्वाद और साई बाबा का संदेश, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए और जीवन में खुशी से रहने के लिए, जीने के लिए जो सिखा रहे हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमें हमारे जीवन में कैसे जीना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जीवन के इस कुरुक्षेत्र में हार जाते हैं, कभी कभी थक जाते हैं। हम देखते हैं तृतीया होती है, अगर हम चींटी देखेंगे, उन्होंने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी। आपने देखा कभी थकी हुई आराम से बैठी हुई चींटी देखी आपने? कभी भी नहीं। कितनी भी भीड़ हो, बारिश हो, धूप हो, छाव हो, वो लगातार अपने लक्ष्य से जुड़ी रहती है। और चींटी तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन संगठित किए हुए कार्य से उनका जो हम घर देखते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में चेर तवी इस भावना से जीना चाहिए, चलना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और उस कार्य को पहुंचने के लिए हमें हमारे जीवन में हर शास्त्र में, चाहे वो हिंदू शास्त्र हो, सनातन शास्त्र हो, सनातन धर्म हो, हर धर्म में एक तपश्चर्या है, एक भावना है, एक महत तपश्चर्या जुड़ी हुई है। तपश्चर्या के बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आपको आप तरसोगे, जब आप उस चीज़ के लिए तराश लोगे खुद को, जब उस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाओगे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाओगे। आप में हर एक के जीवन में, चाहे वो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले भगवान कृष्ण हो, चाहे प्रभु रामचंद्र जी हो, चाहे कोई भी भगवान हो, उसी प्रकार जब पहली बार 16 साल की आयु में शिरडी में साईं बाबा आए और अपने गुरु का आशीर्वाद लेके नीम के पेड़ के नीचे से वहीं से निकल पड़े, तो 12 साल के बाद फिर से बाबा शिरडी में आए। और शिरडी में आने के बाद 12 साल लगातार भाईजा माँ, हर दिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बाबा को उन्होंने नैवेद्य नहीं दिया। और उस नैवेद्य को देते समय वो हर दिन बाबा की याद करती थी, क्योंकि जब अपने निजी जीवन में उन्होंने बाबा के आंखों में जो शांतता, सादगी देखी थी, जो भगवान का रूप देखा था, वो प्रसन्न था। बासापति जी हो या बाबा भाईजा माँ के पति हो, भाईजा माँ हो, शिरडी के जो आम जनता थी, जो एक नागरिक थे, जो वहाँ के पूरे परिवार थे, वो बाबा के भक्त कुछ ही चमत्कारों से। देखो एक बात समझ लीजिएगा, जब दैवी शक्ति प्राप्त किया हुआ इंसान जब यदा यदा सी धर्म श्लानि देव भवति भारत, ये चीज जब जब इस धरती पर संकट हुआ है तब भगवान आए हैं। और अभी 100 साल पुरानी बात है कि बाबा आए, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा चढ़ गया। इस जीवन में, इस जीवन की क्रांति में, जैसे बाबा शिरडी में आए, तो आने के बाद चांद मियाँ की घोड़ी को ढूंढने के बाद जब चांद मियाँ बाबा का भक्त बना और उसके बेटे की बारात लेके जब बाबा शिरडी आए, तो छोटे बच्चे की तरह बाबा अपने लोगों को मिलने के लिए, अपने गुरु को मिलने के लिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। हर जीवन में गुरु की स्थान बहुत बहुत मार्ग देने वाला, दिशा देने वाला। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में अगर कुछ समझानी है आपको, क्यों हम आज भी इंटरनेट के जमाने से हम हजारों अच्छे लोगों को हम जुड़ते हैं, वो भी एक गुरु ही है जो हमें अच्छा ज्ञान देता है, नया ज्ञान देता है, उसका चरित्र शुद्ध है, उसका मन शुद्ध है, उसका कार्य शुद्ध है, उस इंसान को नमस्कार करना चाहिए। मैं अपने जीवन में, मैं जब मेरे माता पिता जी को देखता हूँ, तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण आशीर्वाद है कि उन्हीं के कार्य से हम जहाँ भी जुड़े हैं, आज जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो आशीर्वाद है। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन में जो भी, मैं भी 12 साल पहले छोटा था तब शिरडी गया था, मेरे अंकल मुझे लेके गए थे। जब हम गए तो उस समय मुझे बाबा का साक्षात आशीर्वाद मिला, लेकिन 12 साल लगे मुझे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और मैंने सिर्फ साई वाणी शुरू की है। तो ये मेरे जीवन में भी, निजी जीवन में चमत्कार है। मैं बहुत ही बाबा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मामका पांडव क्षेव किम कुर्वत संध्या, जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को
कि बता कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, मैं भी कहना, बाबा कहना चाहते हैं कि आओ आपके घर में, आपके जीवन में, आपके संसार में, आपके शहर में, आपके राज्यों में क्या चल रहा है। जब बाबा सब देखते हैं और वो कहते हैं पश्यन्ता पांडुपुत्रा मानाचार्य महति चमो व्यूढ़ाम द्रुपेद पुत्रन तथा शिष्येन धीमः। जैसे पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र जहां इकट्ठा हुए उस प्रकार जो मेरा बालक है, जो मेरा मित्र है, जो मेरा एक चाहता वर्ग है, जो मुझे मानता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो मेरा हर इंसान क्या कर रहा है वो सब बाबा देख रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कृष्ण भूमिका में कि आपको आपके जीवन में निजी जीवन में कैसा कार्य करना है। और उसी की कुछ चंद पंक्तियां मैं कहूंगा, जो भी जीवन में करना चाहते हो लक्ष्य रख के करो। बाबा ने जब शिरडी में पदार्पण किया, भाईजा मां बाबा के पास आई, जब उनका तात्या नाम का बेटा भी जब मिलने आया तो बाबा ने उनको बुलाया और अपने नजदीक बुला के बेटे को बहुत खुशी से देख के बाबा के मन प्रसन्न हुआ। और भाईजा मां तो खुशी से समा गई, उन्होंने कहा बाबा ऐसा एक दिन नहीं, आप मुझे माँ बोलते हो और आप मुझे छोड़ के चले गए हो, 12 साल मैं आपकी राह देखती रही, आप आए। तो बाबा ने कहा जब मुझे मेरे गुरु ने बुलाया भाईजा मां मैं तो आप आ गया, और जब मैं आया, जब मैं यहाँ आया हूँ, भाईजा मां ने कहा बाबा चलो घर। तो बाबा ने वचन दिया, भाईजा मां मैं अभी हमेशा के लिए शिरडी आया हूँ, मैं अभी कभी कहीं नहीं जाऊंगा, तो मैं आपको वचन देता हूँ। वचनम प्रणाम, वचन बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने जीवन में। अपने जीवन में दिए हुए शब्द और उन शब्द का जो वचन होता है, इसीलिए बोलते हैं जान जाए लेकिन वचन न जाए। क्यों ये शब्द प्रचलित हुए, उसमें पीछे कोई ना कोई इतिहास है। और बाईजा मां को दिया हुआ शब्द बाबा ने आखिरी सांस तक संभाला, एक भीट लेके बाबा आए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, कुछ इकट्ठा नहीं किया, सिर्फ बांटने का काम बाबा ने किया। पहले तो प्यार बांटा, बाद में जो लोगों के मन में द्वेष था, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति वंश, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लोगों के मन का द्वेष निकालने का काम बाबा ने किया। दूसरी बार जब उन्होंने देखा बुटुवाड़ा, जब पहले बाद में मंदिर बना, लेकिन पहले बाबा चावड़ी में रहते थे, चावड़ी बहुत गंदी थी, बाबा ने खुद हाथ में झाड़ू लिया और पूरे चावड़ी को साफ किया। और भाईजा मां को कहा भाईजा मां मैं अभी तेरे घर नहीं आऊंगा, क्योंकि शिरडी मेरा घर है और मैं हर घर घर भिक्षा मांग के खाऊंगा, ना मुझे इसमें शर्म है ना मुझे कोई इसमें लज्जा है, मैं जीने के लिए तो घर घर में जाके खाऊंगा। एक बात याद रखना, फकीर और बैरागी कभी कुछ इकट्ठा नहीं करता, वो मांगता भी है तो लोगों के कल्याण के लिए मांगता है, क्योंकि पूरा विश्व उसी का होता है। साक्षात करी पुरुष जब अपने जीवन में पुरुषार्थ दिखाते हैं तो दृष्ट केतु चेकिस्तान क्रांति, देखिए काशी राजस्य वीर्यवान, दृष्ट केतु चेकिस्तान काशी राजस्य वीर्यवान, पुरुजित कुंती भौजस्य शैभ्यस्य नरपुंगवः, पुरुजित कुंती भौजस्य शैभ्यस्य नरपुंगवः, दृष्ट केतु चेकिस्तान काशी राजस्य वीर्यवान। ये मेरे सीढ़ी में जितने भी वीर्यवान है, शक्तिशाली पुरुष है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुलकर्णी जैसे लोग उस समय थे, जो अंग्रेज सरकार की चापलूसी करके लोगों को तंग करते थे, उन्हीं को बाबा ने अपने कर्म से, अपने कार्य से, अपनी मीठी बोली से, अपने शब्द से, अपने प्यार से, अपनी देवी शक्ति से उनको सबको आशीर्वाद दिया। भाई और बहनों, आज भी शिरडी में साईं बाबा के यहाँ पूरे विश्व से लोग जब आते हैं तो उनका पहला कर्तव्य है कि आप सादगी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, एकदम नॉर्मल जीवन जीने की तरह, जितनी सादगी रखोगे उतने स्वच्छ और प्रसन्न दिखोगे, क्योंकि जब भी आपने जीवन में संग्रह किया है गलत मार्ग से, आपको तकलीफ हुई है, क्योंकि बिना कष्ट से और बिना तपश्चर्या से, मैं कहता हूं बहुत बार 16 साल के लड़के को जब कहा गया कि अयोध्या की बात हुई रही है राम राज्य में कि आपको कल राजा बनने जा रहा है, तो इतना उत्साहित लड़का रात में जब कई कहती है और दशरथ राजा अपना फैसला बदल लेते हैं, और दूसरे दिन उनको कहते हैं कि आपको आपके जीवन में कौन सा कार्य करना पड़े, जो भी आपने जीवन में आपने तय किया है उसको पूरा करना है,
तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण है आपके अंदर की शक्ति को ध्यान धारना। योगेन चित्ते सपदेन वाचाम, योगेन चित्ते सपदेन वाचाम। आप ठीक से समझिएगा, योगेन चित्ते सपदेन वाचाम। मनम शरीरश्च वैद्यकेन, मनम शरीरश्च वैद्यकेन। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग, साई योग एक आपकी ऐसी शक्ति है ना, जो आपके शरीर को पहले प्रसन्न रखे। और सच कहूं, सर सलामत तो पगड़ी 50। शरीर अगर शुद्ध रखना है ना आपको, तो उसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। हजारों करोड़ों की गाड़ी नहीं चाहिए, वो तो मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। लेकिन ये जो हजारों करोड़ों का शरीर दिया है ना भगवान ने, जिसकी कीमत नहीं है, उसके बारे में एक चीज याद रखना, साईं बाबा ने हमेशा पूरा श्रम किया, हाथ में झाड़ू लेके शिरडी को साफ किया, अपने द्वारका माई को साफ किया, उन्होंने पूरे चावड़ी को साफ किया, उन्होंने पूरी तरह से अपनी मस्जिद को साफ किया, क्योंकि वो कहते थे राम और अल्लाह एक ही है, वो अलग नहीं है। परमात्मा आज भी मैं कहता हूँ, जो लोग धर्म धर्म में बंटवारा कर रहे, क्यों बंटवारा कर रहे? एक बगीचा में हजारों टाइप के प्रकार के फूल होते हैं, और सब फूल मिलके बगीचा बनता है, तभी तो बगीचा दिखता है ना। नहीं तो पूरे बगीचे में एक ही फूल रहेगा तो आप बगीचे कहोगे उसको? अरे है ना, दिया हुआ है। ये सृष्टि ने बहुत कुछ दिया है, नम्रता के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन से, अपनों को अपने से जोड़ के, प्यार से रह के, आपस में मिलजुलाव करके प्यार से रहो। जिंदगी इतनी सुंदर है ना भाई और बहन, सिर्फ ध्यान और धारणा की आराधना होनी चाहिए। ये क्रिया है, ये साई योग है, ये साई का ध्यान है, और इसी के लिए तो साई वाणी कटिबद्ध है। इस भूमिका आएगी जाएगी, इस भूमिकाओं के प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए, और ये जो विश्वास है ये अपने जीवन में कुछ पाने के लिए है। जीवन ऐसा नहीं मिले। योगे ने चित्ते सब पदे न वाचा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, अपने जीवन में अगर आपको सुखी रहना है तो योग को पहले आत्मसात करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ साई योग से आप शुरुआत करें। साई योग एक बहुत बड़ी क्रांति है, जो अभी हमारे सब टीचर हमारे सभी सेंटर्स में कर रहे हैं। साई बाबा ने फिर कहा, भाई साहब मैं तेरे अकेले के घर का प्रसाद भिक्षा नहीं खाऊंगा। प्यार था, अपनापन था, लेकिन बाबा ने संदेश दिया था कि मैं सबका हूँ, मेरे पास जो भी आएगा मैं उसको मदद करूंगा, क्योंकि बाबा के पास अपने खुशी होने के बाद, घर में खेती में अच्छा धान आने के बाद, अपने बच्चों का फल फूल मिलने के बाद, उनके सक्सेस होने के बाद, जीवन में क्रांति होने के बाद, जो लोग प्यार से देते थे बाबा सब शाम तक बांट देते। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि जो बाबा ने कुछ इकट्ठा करके रखा नहीं था, खाली हाथ। लेकिन उन्होंने पहला गुरु मंत्र दिया कि मैं भूखा ना सो और मेरा कोई भी यहाँ शिरडी का भक्त भूखा नहीं सोए, और इसीलिए उन्होंने अन्नदान को श्रेष्ठ दान। लेकिन याद रखना, आज भी बाबा ने जलाई हुई धुई जल रही है। अच्छे कार्यों को थोड़ा समय लगता है भाई और बहनों, लेकिन एक बार अगर वो जलने लगा ना तो पूरे विश्व में प्रकाश छा सकता है। और इसी प्रकाश में, इसी विचारधारा में हमें काम शुरू करना है, और वो है हमारा लक्ष्य, जीवन जीने की कला, मतलब साई वाणी। दूसरा और महत्व उन्होंने दिया स्वच्छता। उन्होंने संदेश दिया, सब प्यार वाला संदेश था, ये इतना आसान संदेश नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो संदेश दिया है वो प्यार का संदेश है, एक दूसरे के प्रति लगाव का संदेश है, एक दूसरे से जुड़ने का संदेश है, और एक दूसरे से जीवन जीने की कला सीखने का संदेश। जितने उपदेश किए उतना आचरण उन्होंने किया, जितने उपदेश किए उतना आचरण किया, हिंदू मुस्लिमों को कभी दूर नहीं किया, एक थाली में उनको खाना खिलाया, और उनसे प्यार करने के बाद लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण जो बताया, किसी के ऊपर अत्याचार मत करो और किसी का अत्याचार सह भी मत। अभी अत्याचार नहीं करना मतलब, अत्याचार करने का मतलब होता है किसी को दूसरे को नीचा दिखाना। हम अहंकार से इतने पीड़ित होते हैं, अहंकार न लागो राजस, क्यों कहा है, क्यों हम कभी कभी जीवन में सदगदित हो जाते, दुखी हो जाते, अपमानित हो जाते, और फिर हम गुस्सा निकालने का सोचते हैं। तो अगर आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, जीवन में आप जितने भी क्रोधित होकर फैसले लोगे उतने जीवन में आप फेल हो जाओ।
जितने शांतता के साथ जीने का प्रयास करोगे उतने खुश हो जाओगे। क्योंकि क्या है ना, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, और मैं साईवानी से यही प्रयास करना चाहता हूँ कि आप पहले अपने को जानो, अपनी शक्तियों को जानो, अपनी भक्तियों को जानो, अपनी युक्तियों को जानो। अपने जीवन में कुछ करना है ना भाइयों, तो पहले जानना पड़ेगा आप कौन है, आप क्या करना चाहते हो। गुरु का आशीर्वाद आपको मैं कहता हूँ, जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। बोले आज तक आपको कोई अच्छा गुरु ना मिला हो, और मैं गुरु होने का दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर आपको कहूंगा कि मैं आपके जीवन में सकारात्मक भाव से बदलाव लाना चाहता हूँ। और उस बदलाव कोई ऐसे नहीं आएगा, बदलाव आएगा मुझे सुनने से, बदलाव आएगा ध्यान करने से, बदलाव आएगा साई योग करने से, बदलाव आएगा साई क्रिया करने से। और सच में कहूं, ये सब करने के बाद आपकी मन की इच्छा, आपके अंदर की भावना, आपका जोश, आपकी सच्चाई, ये सिर्फ और सिर्फ सादगी में नजर आएगी। और इसलिए मैं आखिरी में कहता हूं, प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी भूमिका से जुड़ो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौड़, जिला पुणे, यहां साई आंगन की। और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहां निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साईवाणीtrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साईवाणीtrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो।